Hello friends, yesterday we learned past continuous tense and some examples, and in this lecture we are going to solve question C and question D. Let's see the question C. Complete these sentences with the past continuous form of the verbs in the box. Complete these sentences with the past continuous form of the verbs in the box. Okay, तो box में आपको verb दिए हैं tell, swim, walk, wait, hop, ride. 6 verb दिए हैं, उसको आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस करने के लिए ing फॉर्म लगाना है और लिखना है. पर इससे पहले जो भी आपको सब्जेक्ट दिया है उन्होंने आई है ना, देखो सेंटेंस में आई है, सेकंड सेंटेंस में अन्ना, थर्ड सेंटेंस में द फ्रॉग, फोर्थ सेंटेंस में द कैट, तो ये सारे सब्जेक्ट है. तो उनके हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आता है, सहायकारी क्रियापद आता है, वॉज या वेयर, ये भी आपको लिखना है और फिर ये वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म लिखना है. ठीक है, देखो चलो, इट्स द नंबर वन. आई को हमेशा आपको मालूम है वॉज आता है, आई वॉज. ओके, यहां तक तो आ गया. आई वॉज तो डैश डैश माय बाइसिकल, बाइसिकल है तो राइड आएगा, राइड वर्ब आएगा, तो आई वॉज राइडिंग माय बाइसिकल टू स्कूल व्हेन आई मेट अलका ऑन द रोड. आई वॉज राइडिंग माय बाइसिकल टू स्कूल व्हेन आई मेट अलका ऑन द रोड. ओके, सेकेंड, अन्ना ये तो सिंगुलर है तो अन्ना को आएगा, अन्ना के आगे आएगा वॉज, अन्ना वॉज. डैश डैश पेशेंटली इन द क्यू तो वेटिंग, अन्ना वॉज वेटिंग पेशेंटली इन द क्यू तो पेशेंटली इन द क्यू तो अन्ना वॉज वेटिंग waiting वेटिंग. ओके, waiting वेटिंग, अन्ना वॉज वेटिंग पेशेंटली इन द क्यू. ओके, नाउ थर्ड, द फ्रॉग. देखो द फ्रॉग ये भी सिंगुलर है, वॉज ही आएगा, द फ्रॉग वॉज. ओके, द फ्रॉग वॉज डैश डैश फ्रॉम स्टोन टू स्टोन, तो यहाँ जो वर्ब है राइड हो गया, वेटिंग हो गया, हॉप, फ्रॉग हॉपिंग करता है ना, द फ्रॉग वॉज हॉपिंग फ्रॉम स्टोन टू स्टोन. एच ओ डबल पी आई एन जी हॉपिंग, द फ्रॉग वॉज हॉपिंग फ्रॉम स्टोन टू स्टोन. ओके, नाउ फोर्थ, द कैट. देखो सिंगुलर है द कैट, इसको भी आएगा वॉज, द कैट डैश डैश अलोंग द वॉल, तो इसको आएगा वॉकिंग, द कैट वॉज वॉकिंग waiking द कैट वॉज वॉकिंग अलोंग द वॉल. ओके, ये हो गया फोर्थ. नाउ फिफ्थ,
आई, आई को हमेशा वॉज ही आता है, आपको मालूम है। आई वॉज डैश डैश इन द पूल व्हेन इट बिगेन टू रेन, तो इसको आता है स्विमिंग इन द पूल, है ना। आई वॉज स्विमिंग, यस W I double M I N G. I was swimming in the pool when it began to rain. And sixth, Rekha अकेली है, singular है, was W A S. Rekha was dash dash us a ghost story telling, ghost story बता रही है सबको, है ना। Telling T E double L I N G. Rekha was telling us a ghost story in this way. Our question C is finished. Now turn to D. Okay. Fill in the blanks with verbs of your choice. अपने choice का verbs आप उधर लिख सकते हो. Helping verbs उन्होंने ही दिया है. Shreya was. We were, the canteen was, Omar was. देखो helping verbs उन्होंने ही दिए हैं, सिर्फ आपको sentence read करके जो भी verbs आपको लगता है अच्छा वो आप लिख सकते हो, ठीक है। First sentence, let's read. Shreya was dash dash to meet her friends near the gates. Shreya was waiting to meet her friends near the gates. Shreya was waiting. आप लिख सकते हो waiting. W A I T I N G. Waiting. Okay. Shreya was waiting to meet her friends near the gate. Second. We were dash dash when the doorbell rang. We were sleeping. S L double E P I N G. We were sleeping when the doorbell rang. We were watching TV. W A T C H I N G. Watching T We. Watching TV भी बैठता है, sleeping भी बैठता है, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। We were watching TV when the doorbell rang. We were sleeping when the doorbell rang. Sleeping लिखो या watching TV लिखो, okay? कौन सा भी लिखो। Now third, the canteen was dash dash hot soup this morning. The canteen was dash dash hot soup this morning. Making भी लिख सकते हो, serving भी लिख सकते हो। क्या लिखना है देखो, the canteen was serving, yes S E R V I N G, serving. The canteen was serving hot soup this morning. The canteen was making, M A K I N G, making hot soup this morning. Okay, कौन सा भी लिख सकते हो। Fourth, Omar was, Omar is the name of boy. Omar was dash dash with his friends. Omar was playing with his friends. Playing लिख सकते हो, P L A Y
आईएमजी, ओमर वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, कौन बोलेगा उसे डांस कर रहा है फ्रेंड्स के साथ, ओमर वॉज डांसिंग, डी ए एन सी आई एन जी, ओमर वॉज डांसिंग विथ हिज फ्रेंड्स, कौन बोले सर ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंकिंग लिखो, ओमर वॉज ड्रिंकिंग विथ हिज फ्रेंड्स, ओमर वॉज ईटिंग विथ हिज फ्रेंड्स, ईटिंग भी लिख सकते हो, ई ई ए टी आई एन जी, ईटिंग, ओके, जो भी फर्ब्स आपको अच्छा लगता है वो लिखो, ठीक है। नाउ फिफ्थ, सम चिल्ड्रन वेयर डैश डैश आउटसाइड आवर फ्रंट डोर, सम चिल्ड्रन वेयर स्टैंडिंग, एस टी ए एन डी आई एन जी, सम चिल्ड्रन वेयर स्टैंडिंग आउटसाइड आवर फ्रंट डोर, सम चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, प्लेइंग भी आता है इधर, पी एल ए वाई आई एन जी, प्लेइंग आउटसाइड आवर फ्रंट डोर, ओके। नाउ सिक्स सेंटेंस, लीनाज हेडेक्स वेयर डैश डैश वर्स सो शी वेंट टू अ डॉक्टर, लीनाज हेडेक वेयर गेटिंग वर्स, जी ई डबल टी आई एन जी, गेटिंग वर्स सो शी वेंट टू अ डॉक्टर, ओके, थैंक यू।